श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै कर्म को लेकर के भगवद गीता में एक विचार आता है किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्षामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको लेकर के बड़े बड़े दिग्गजों के मन में भी संदेह निर्माण होता है। तो मैं तुमको इस कर्म के बारे में बताने जाने वाला हूं। पर फिर भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म यहां पश्येत अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तस्य सुखी नरः। तो जिसने कर्म में अकर्म को देखा है, अकर्म माने आनंद, माने जिसके कर्म आनंद की अभिव्यक्ति है, और अकर्म में कर्म, और किसने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यह जो कर्तृत्वाभिमान है यही तो न करने को भी कर्मक बनाएगा। इसीलिए ये कर्म को लेकर के बड़े बड़े संदेह है। तो यहां हम देख रहे हैं प्रारब्ध संचित और आगामी, इन तीन कर्मों को लेकर के कल हम लोग चिंतन कर रहे थे। प्रारब्ध कर्म किसके लिए है, सुखाद्य अनुभवो यावत तावत प्रारब्धमिष्यते। जब तक के हम इस चक्कर में फंसे हैं कि हम बड़े अनलकी हैं, हमको बड़े कष्ट मिलते हैं, लोग बड़े सुखी हैं, तो जब तक के हमने सुख दुख के अनुभूतियों को सत्य मान करके उसकी कारण कार्य मीमांसा लग करने में लग गए हैं, तभी तक ये प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व है। यदि हमने जो अनुभव आ रहे हैं उसको निपटते जाओ, आगे चलते जाओ, बस ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, छोड़ो, उससे हमको कुछ लेना देना है। इसीलिए यावत जब तक के हम सुख दुख के अनुभूतियों को लेकर के परेशान होते हैं, तब तक हमको शास्त्र बताते हैं देखो ये जो है ना, पिछले जन्म में तुमने तुम्हारे पत्नी को बहुत कष्ट दिए थे ना, इसीलिए इस जन्म में वो बदला लेने के लिए फिर आई है। माने तुम्हारे जीवन के सुख दुख के लिए तुमको छोड़ करके अन्य कोई भी जवाबदार नहीं है, ये सिद्धांत है। अच्छा महाराज आगे बताते हैं संचित कर्म की बात, क्या कहते हैं संचित कर्म। ये है कि यदि हमने अपने आप को परब्रह्म के रूप में पहचान लिया है तो जितने भी संचित कर्म थे वो सब के सब एक क्षण में गायब हो जाएंगे। देखो अंधकार कितना भी पुराना रहे, समझो एक कमरे में 10 मिनट का अंधकार है, दूसरे कमरे में 10 साल का अंधकार है, तो हम ये कहेंगे क्या ये जो पुराना अंधकार है उसको हटाने के लिए जरा अग्नि ज्यादा लगती है? नहीं, उतना ही प्रकाश काफी है, क्योंकि अंधकार नाम की वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से ये संचित संचित कर्म जो कहते हैं ना, जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जब करने वाला ही नहीं रहा, जब मैं ही नहीं रहा, तो ये एक संचित कर्म निर्माण कैसे हो गए। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, स्वप्न में किए हुए कर्मों का प्रभाव जागृत में नहीं होता, उसी प्रकार से। अब तीसरी बात बताई जो आगामी कर्म है, आगामी कर्म माने इस दुनिया में अब हम आ गए हैं, सुख दुख के अनुभव हो रहे हैं और अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, तो ये आगामी कर्मों का फल अगले जन्म में संचित में ऐड हो जाता है। ये बैंक वाले होते हैं ना, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो पिछले जन्म का
जितना आपका बैलेंस है उसमें इस जन्म की जो कमाई है वो ऐड हो जाएगी, और इस प्रकार से आपका संचित कर्म का बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो स्वम असंगम उदासीन परिज्ञाय नभो यथा न शिष्यते यति ही किंचित कदाचित भावि कर्म भी। 51वें मंत्र में कहते हैं, जब हमने अपने आप को असंगम उदासीनम परिज्ञाय, असंग माने कर्तृत्व का संपूर्ण अभाव, मैंने ये किया है, मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा किया है, जब तक के मैं है तब तक के क्रिया है, और जब तक के मैं और क्रिया है तब तक के पाप पुण्य का निर्माण है। लेकिन जब हमने ये स्पष्ट समझ लिया है कि ना तो मैं करने वाला हूं, ना तो इस कर्म से मेरा कोई संबंध है, जैसे अपने शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के साथ मैं नहीं जुड़ा रहता, देखो डाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, रोग है, इसके साथ मैं नहीं जुड़ता, और इसीलिए किसी को हार्ट अटैक आ गया तो पाप नहीं है ना तो पुण्य है। इसीलिए जहां हमने अपने आप को असंगम उदासीनम परिज्ञाय नभा यथा, जिस प्रकार से आकाश, आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से यह जो यति है जीवन मुक्त है, जिसके जीवन में मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव निर्माण होता ही नहीं। देखो यदि मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव निर्माण हुआ तो मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब प्रश्न की मालिका उसके बाद पैदा होना शुरू हो जाए। कई बार हम बच्चों को एक चाटा लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं मारने वाला पैदा हो गया था। देखो ये चाटा लगाने के बाद सॉरी कह दिया तो समझ लेना मैंने चाटा मारा, यह भाव निर्माण हुआ था। देखो जैसे अपने दांतों से जीवा कटती है तो वहां सॉरी कहते हैं क्या, क्योंकि वहां मैं निर्माण नहीं होता। इसीलिए न सृष्टते यति ही किंचित कदाचित भावी कर्म भी, तो आगामी कर्म भी जीवन से समाप्त हो गए। तो यह जो जीवन मुक्त पुरुष है उसकी स्थिति कैसी है, उसके लिए एक ही उदाहरण है और वो है आकाश। देखो न नभो घट योगे न सुरा गंधे न लिप्यते तथा आत्म उपाधि योगेन तद्धर्मये नैव लिप्यते। जिस प्रकार से आकाश, उसमें कोई घट है तो उसके अंदर के को हम कहेंगे घटाकाश, तो घटाकाश घट के कारण निर्माण नहीं हुआ, हम भले उसको नाम दे दे घटाकाश लेकिन है वो आकाश ही। देखो तो नभा घट योगी न लिप्यते, यदि घट का आकार गोल है तो वो नभ अंदर का आकाश गोल होगा, यदि तिकोना है तो तिकोना होगा, तो क्या आकाश का कोई आकार बनता है क्या। इसीलिए घट योगी नभा लिप्यते, उसी प्रकार से सुरागंधे न, यदि उस मटके में हमने सुरा माने कुछ मदिरा डाल दी हो, अपने यहाँ आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक साइन लगने लगे हैं ना चारों तरफ, एक जगह साइन पढ़ रहा था मैं, मद्यपान करके वाहन चलाना हानिकारक है, जो मद्यपान किया हुआ है वो पढ़ ही नहीं सकता। पहले तो उसको ये समझ में नहीं आएगा ये मद्यपान क्या भी लिया है, सीधा दारू का होना समझ में आया। इसीलिए मैंने वो
मध्य शब्द का प्रयोग। तो उस मटके में यदि शराब रखी हो तो शराब की दुर्गंध उस आकाश को स्पर्श नहीं करती। इसी प्रकार से देह और देह में जो देही भाव है, ये दोनों के द्वारा चेतन सत्ता कभी भी प्रभावित नहीं होती। तो जीवन मुक्त पुरुष इसमें बैठा रहता है। देखो संतो, इसमें करना कुछ भी नहीं है, केवल अत्यंत सावधान होकर रहना है। और जब यह दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तो आपको हर जगह यही अनुभूति आने लग जाती है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। वही बात, तथा आत्मा उपाधि योगेन तद्धर्मैहि न एव लिप्यते। उसी प्रकार से आत्म तत्व देह के द्वारा जवान बूढ़ा नहीं होता, और यह अंतकरण के द्वारा पाप पुण्य निर्माण नहीं करता। यह स्थिति जीवन मुक्त की अखंड रहती है। ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानान् न नश्यति अदत्वा स्वफलं लक्ष्यं उद्दिश्य सृष्ट बाणव। अब सवाल यह है कि जब यह देह प्रारंभ हो गया, तो देह के प्रारंभ के पीछे किस शक्ति ने इस देह को निर्माण किया? तो बताते हैं, प्रारब्ध के वेग से ज्ञानोदया पूर्व ज्ञान का अनुभव या स्थिति होने के पहले यह देह था। तो ज्ञानोदया पूरा आरब्धम कर्म, तो इसीलिए प्रारब्ध कर्म के द्वारा ये देह निर्माण हुआ। अब इस देह में जो जो होने वाला है, तीन चीजें होती है देह में। एक तो होगा जाति, उसका आकार क्या होगा। दूसरा होगा आयु, उस देह का जीवन कितना लंबा होगा। और तीसरा भोग, उस देह को क्या क्या भोग मिलने वाले हैं। ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये सब का सब हम प्रारब्ध पर लगा सकते हैं। लेकिन यह जो प्रारब्ध कर्म है, यह ज्ञान होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध कर्म का क्षय केवल प्रारब्ध के अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। यू हैव टू गो थ्रू, देर इज नो शॉर्टकट। देखो, सो न ज्ञानान् न नश्यति। उदाहरण देते हैं, अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्दिश्य उत्कृष्ट बाणवत। समझो किसी ने एक तीर कमान ले लिया और निशाना लगाया और बाण को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद पता चला कि अरे ने गलत जगह छोड़ा है, मैंने सोचा था शेर है लेकिन वहां तो गाय है। लेकिन एक बार वो बाण निकल गया अपनी कमान से, तो भी उसको रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से यह देह प्रारब्ध के वेग से प्रकट हो गया है। अब इस देह का जो होना है वो होके ही रहेगा। एक गंजानंद महाराज थे, और उनको मरने का बड़ा डर लगता था। तो उन्होंने जाकर के एक ज्योतिष से पूछा, मेरे मृत्यु के बारे में बताओ। उन्होंने कहा, तुम्हारा मृत्यु, तुम्हारे सर पर कोई तो भी भारी चीज गिरने के बाद होने वाला है। अब ये परेशान, क्या करे क्या करे, कहाँ रहे, कहीं भी पीछे ऊंचू पर आई। तो फिर उन्होंने सोचा, चलो मैं रेगिस्तान में चले जाता हूं। रेगिस्तान में चला गया, ऊपर पेड़ भी नहीं, कुछ नहीं, ओनली आकाश। अब कैसे बनूंगा। और ये जो वल्चर होते हैं ना, गीदड़, ये कोई बड़ा किसी पशु का हड्डी हो तो उसको ले जा करके ऊपर से पत्थर पर डाल देते हैं, तो वो टूट जाती है हड्डी।
फिर उसका जो बोन मैरो है वो खाते हैं। तो एक बड़ा वल्चर एक बड़े हड्डी को लेकर के देख रहा था कि पत्थर कहाँ है, पत्थर और एक पत्थर बैठा हुआ था और ऊपर से उसने सीधा निशाना लगाया अठन। जिस देह का जिस प्रकार से नाश होना है उसको कोई नहीं रोक सकता, ये सत्य है। तो व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्त बाण पश्चात गोमत न तिष्ठति भिनत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। व्याघ्र दृष्ट्या हमने ये सोचा कि वहां शेर है और इसीलिए शेर को मारना है, तो बाण विनिर्मुक्त निशाना लगा करके तीर छोड़ दिया। और पश्चात तू और फिर बाद में पता चला अरे भैया वो तो गाय थी, अब ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, न तिष्ठति वो बाण रुकेगा नहीं, विनती एव जाके उस गाय को निश्चित मारेगा। इसलिए अपने प्रारब्ध को स्वीकार करने के लिए तैयार होना यह आध्यात्मिक साधना है। ध्यान से सुनना, प्रारब्ध का प्रभाव कैसे है ताकि उससे हम अपने आप को बचा सके। जगत में चारों तरफ अनेक प्रकार के रोग के जंतु हैं, लेकिन सभी को रोग थोड़ी होता है, एक हाथ को होता है। किसको रोग होता है कि जिसके रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है। तो हमको करना क्या है, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। इसी प्रकार से जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा आने वाला है वो आएगा ही, निश्चित आएगा, वो बदल नहीं सकता। बदल सकते हैं हमारी उस घटना को लेकर के प्रतिक्रिया की प्रक्रिया, हाउ डू वी इंटरैक्ट टू द गिवन सिचुएशन। ये परिवर्तन लाना माने अध्यात्म में हमने प्रवेश किया है। नॉर्मली लोगों का यही होता है, हमने इतना दान धर्म किया, हमारा लड़का हमारी बात क्यों नहीं मानता, इसीलिए क्योंकि तुमने दान धर्म किया। ये कोई प्रश्न नहीं है महाराज। इसीलिए यहां बताते हैं कि प्रारब्ध का सिद्धांत किस लिए बताया है, आगे जाके और विस्तार से बताएंगे। इसलिए बताया कि पहले तो हम जो अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है वो अपनी जो पुरानी आदत है उसको छोड़ दे। जिस व्यक्ति का ध्यान अन्य पर होता है, लोग ऐसे वो वैसे, उसके कारण में दुखी, उसके कारण में सुखी, वो व्यक्ति अभी साधक के रूप में पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए प्रारब्ध का तात्पर्य डोंट बी एक्सट्रोवर्ट बट बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ। रिस्पॉन्सिबल होने की पराकाष्ठा आपको बताए कितना व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक औरत एक लाइब्रेरी में पहुंच गई और पहुंचने के बाद कहती है मुझे आत्महत्या करने का कोई पुस्तक हो तो दो, मुझे पढ़नी है। तो वो लाइब्रेरियन कहती है मैं वो तो दे दूंगी लेकिन वापस कौन देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले जाओगे, आत्महत्या करोगी, पुस्तक मेरी कहा जाए। तो जब हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं तब तक के साधक का जन्म नहीं हुआ। जीवन में सुख दुख इसीलिए आते हैं कि बाहर भटकना बंद करो, बहुत हो गया है, अब अंतर्मुखी हो जाओ। अभी हमारी स्थिति कौन सी है, ज्वालामुखी, अब अंतर्मुखी हो जाओ। जहां हमने अंतर्मुखित्व को स्वीकार कर लिया आप प्रारब्ध के प्रभाव से बचना शुरू हो गए। देखो रोगों के जंतु होंगे लेकिन उनका प्रभाव हम पर नहीं होगा,
जीवन में आने वाले सुख दुख हो गए वैसे के वैसे ही, लेकिन अब उन सुख दुखों का प्रभाव हमारे जीवन में होना खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये प्रारब्ध का प्रयोजन ये है शास्त्र में। अब तीसरा प्रारब्ध का प्रयोजन ये है कि हमने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए थे, इसका मतलब ये देह के निर्मिति के पहले हम थे। इसका तात्पर्य हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है। तो यदि हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है तो दुनिया के जितना भी संग्रह है और जितने भी संबंध है वो केवल देह सापेक्ष ही है। तो यदि हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है तो देह की सापेक्षता से ये जो दुनिया है इससे हमको क्या लेना क्या देना, ये इसका तात्पर्य। इसका तात्पर्य हमको स्वर्ग नरक भेजने के लिए नहीं है, वो तो मूर्खों को समझाने के लिए। इसीलिए यह प्रारब्ध का सिद्धांत यदि ठीक से हमने गले में उतारा ना तो देखो आपके जीवन में सहजता आ जाएगी। और आगे इस जन्म में हम जो अच्छे बुरे कर्म करेंगे उसको भुगतने के लिए अगले जन्म में हमको वैसे वैसे भोग प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये देह के निर्मिति के पहले हम थे, इस देह में हम हैं, ये देह नष्ट हो जाएगा तो भी हम बने रहेंगे। तो मरने का सवाल आया कहां, कौन मरा? देखो हम साल भर में कम से कम 200-250 बार हमारी सूटकेस बंद करके खोलते हैं, भरना खोलना भरना खोलना। अब हम उसमें इतने एक्सपर्ट हो गए, इसी प्रकार से हम लोग मरने में पैदा होने में एक्सपर्ट हो गए। दुख आया मैं मर गया, दुख आ गया, सुख आ गया मर गया, कितने दिन रहेगा ये? तो मरना 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 ये तो एक आदत सी पड़ गई है। यदि चिंतन करें तो हमने स्थान बदले, हम तो वो के वही है, जैसे शिशु का देह बदला, फिर एक कुमार का देह बदला, फिर एक मिडिल एज का देह बदला, फिर बुढ़ापे का देह आया, उसको भी फेंक देंगे नया लेंगे। दरिद्री थोड़ी है उसी को रिपेयर करके करके फेंकना। देखो महाराज प्रारब्ध का ये तात्पर्य है, ये रोने धोने का चक्कर नहीं है। अच्छा अजरोस्मी अमरोस्मी इति यह आत्मानं प्रतिपद्यते तदात्मना तिष्ठतोस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। अब ये प्रारब्ध की बातें बताई यहां तक। अब कहते हैं यह प्रारब्ध किस लिए हो सकता है, प्रारब्ध होता ही नहीं। पहले तो बता दिया प्रारब्ध, अब बता दिया प्रारब्ध हो ही नहीं सकता, ऐसा उल्टा सीधा क्यों आया प्रारब्ध अपना। ये प्रारब्ध शब्द का अर्थ कई बार जब मालूम नहीं होता है ना, एक बार एक हमारे मुझे कहा स्वामी जी पता नहीं हमारे क्या प्रारब्ध है, आपसे गांठ पड़ी। तो मैं अजर हूं, अजर माने जो बूढ़ा नहीं होता, और मैं अमर हूं माने जो मरता नहीं। इस प्रकार से जिसने अपने आप को पहचान लिया है, अजर हा अस्मि अमर हा अस्मि इति यम आत्मानं प्रपद्यते तदात्मना तिष्ठतः, जो इस प्रकार से अपने को पहचान करके जी रहा है तस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना, उसके लिए कहां प्रारब्ध की कल्पना है। प्रारब्ध तो उसके लिए है जो देहात्म भाव से जी रहा है। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति। यदि हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है तब जाकर के प्रारब्ध की सिद्धि होती है। देखो संतो यदि हमने अपने आप को
देहात्म भाव से स्वीकार करना बंद कर दिया तो आपके बुद्धि से कर्म, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, ये सब का सब जो गड़बड़ घोटाला झाला है ना, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और सबको पकड़ के रखने के लिए यही रिमोट कंट्रोल है। या तो मन में ग्लानि निर्माण कर दो, या तो मन में डर निर्माण कर दो। ऐसा यदि करोगे तो नरक में जाओगे, गुरुद्रोह करोगे तो नरक में जाओगे। ये नरक में भेजना इत्यादि ये शास्त्रों का प्रयोजन नहीं है। क्या वो नरक की सत्ता परमात्मा की सिवा हो सकती है? नरक में भी परमात्मा है। यदि नरक में भी परमात्मा है तो कंपनी अच्छी होगी। इसीलिए प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति ही देहात्म भावो न एव इष्टः। और मैं देह हूं यह भाव योग्य नहीं है, ये इष्ट नहीं है। देखो यह जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये शुरू होती है वेस्ट बंगाल से, ममता से, वहां से शुरू। मैं अरु मोर तोर तय माया, वहां से शुरू होती है। अब पहली स्टेप क्या होगी? ममता का त्याग कर दे, उसको त्याग दिया तो वेस्ट बंगाल से निकले, फिर कहाँ आए? फिर आ गए दूसरा जगह में, यूपी में। वहां किसका राज्य है? BMW। तो पहले वेस्ट बंगाल से निकले, फिर आ जाए उत्तर प्रदेश। ये माया ने ही निर्माण किया है, मैं देह हूं यह भ्रांति। और इस देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए फिर वहां से हमको कहां जाना है? तो निकले कलकत्ते से, आए लखनऊ में, निकले लखनऊ से, अब चले जाए दिल्ली को बाईपास करना, वहां धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, वहां कभी मत जाना। Those who go to Delhi, they get capital punishment because it is the capital of the state, isn't it? तो वहां से बाईपास करके पहुंच जाओ सीधा हरिद्वार, हरि के दरवाजे पर पहुंच जाओ। जहां हरि के दरवाजे पर पहुंच गए, वहां मैं का समर्पण हो गया। आध्यात्मिक यात्रा बता रहे आपको। तो निकले कलकत्ते से, आए लखनऊ में, निकले लखनऊ से, आए हरिद्वार में। हरिद्वार में आने के बाद जब ममता अहंता का पूरा त्याग हो गया, उसके पश्चात अब ध्यान होगा अपने पर कि मैं कौन हूं। लेकिन वहां भी एक समस्या है, आश्रम निर्माण मत करना। तो वहां भी स्वर्ग आश्रम होगा, नरक आश्रम होगा। और जब ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं, उसके आगे ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, अहेयम अनुपादेयम। तो हम पहुंच गए बद्रीनाथ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। देखो ये है आध्यात्मिक यात्रा। और इस यात्रा में देश का अतिक्रमण नहीं है, काल का अतिक्रमण नहीं है, वस्तु की प्राप्ति हानि नहीं है, केवल हमको अपने आप को पहचानना मात्र है। वेस्ट बंगाल में थे, माने कहां थे? ये दुनिया में फंसे हुए थे, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, ये बच्चे वो पति, ये बहू ये बहन, किसी में फंसे, ममता से आ गए, फिर अहंता में आ गए,
मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं वहां धक्के खाए, फिर वहां से निकले, चलो हरिद्वार चलते। हरिद्वार में आ गए, वहां आने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो यही रहो, नहीं लेकिन जो खुजली हो गई है ना, फिर वापस जाए। एक बार ये छोड़ दिया है ना, अब वापस मत जाना। बहुत हो गया दुनियादारी का काम धंधा। रिमेन फोकस ऑन योर ओन बीइंग। देखो ये है प्रारब्ध का तात्पर्य और ये है आध्यात्मिक साधना। पहले देहात्म भावः न एव इष्टः, अतः प्रारब्धं त्यज्यताम्। तो ये प्रारब्ध को महत्व मत देना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों क्यों करते ही पूरा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा ही होता है। देखो कितने माँ बाप हमको एक दूसरे, स्वामी जी हमने बच्चों को जन्म दिया, इनके कारण हम बहुत दुखी है, ऐसा क्यों? हमने कहा ये जगत का नियम है। जहां दशरथ जी और वसुदेव जी अपने बच्चों के कारण परेशान रहे और उनके बच्चे साक्षात भगवान के अवतार थे, और हमारे बच्चे राक्षसों के भी अवतार नहीं, मच्छरों के अवतार है। तो आदमी सामने शेर हो तो भी बैठ के ध्यान कर सकता है, लेकिन मच्छर हो तो ध्यान नहीं कर सकता। देखो महाराज, पहाड़ की चोटी पे जाके बैठना आसान है, एक पिन के नोक के ऊपर बैठना बड़ा कठिन है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से हम जितना ज्यादा परेशान होते हैं, उतनी बड़ी बातों से नहीं परेशान होते। और प्रारब्ध ये छोटी बात है, इसीलिए देहात्मना भावः न एव इष्टः, प्रारब्धं त्यज्यताम्। अतः इसीलिए इस प्रारब्ध का त्याग करें, इसके चक्कर में ना पड़े। प्रारब्ध कल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रांति एष। आगे बताते हैं। अब देखो, हमने अपने आप को अजरः अमरः अस्मिति इति आत्मानं प्रतिबद्धते। जब हमने अपने आप को सच्चिदानंद अजन्मा और अजर रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसके लिए प्रारब्ध संभव नहीं है। देहात्म भाव इष्ट नहीं है, इसीलिए प्रारब्ध का त्याग करना चाहिए। अब एक स्टेप और आगे, प्रारब्ध कल्पना देहस्य अपि भ्रांति एव। देह की भी प्रारब्ध नहीं होती। देखो देह का भी प्रारब्ध नहीं होता। जैसे ध्यान से सुनना, सुवर्ण का हमने एक आकार बनाया, समझो राम जी की मूर्ति बनाई, और जो भी राम की मूर्ति को खरीदने वाले थे वो भाव करते थे, इतना नहीं, कम कर दो कम कर दो, और इसीलिए हमारे राम बेचे नहीं जा रहे थे। फिर हमने सोचा क्या किया जाए क्या किया जाए, तो फिर हमने उस राम के मूर्ति को गला दिया सोने की, और उसकी किसी एक्ट्रेस की बिकिनी पहन करके सोने की मूर्ति बना दी, और पहले जितने राम की मूर्ति का दाम था उससे 10 गुना दाम रख दिया और फटाफट से बेच गई। ध्यान से सुनना, तो क्या हम ये कहेंगे राम की मूर्ति का प्रारब्ध घटिया था इसीलिए कोई खरीदार नहीं मिला, और वो सिनेमा की एक्ट्रेस का जो प्रारब्ध था ना वो बढ़िया था? देखो, ना तो व्यक्ति का प्रारब्ध होता है, ना तो परमात्मा का प्रारब्ध होता है, ना तो देह का प्रारब्ध होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या प्रारब्ध है? और आज तक जो जी रहे हैं ना अध्यात्म में, इसी को लेकर के रगड़े जा रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या प्रारब्ध है, दिखाओ कहां है प्रारब्ध। इसीलिए देहस्य भ्रांति एष हि, यह केवल भ्रांति मात्र है। क्यों देह का भी प्रारब्ध नहीं होता? अध्यस्तस्य कुतः सत्वम, असत्तस्य कुतो जनिः,
अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धम् असतः कुतः। पहले अध्यस्तस्य कुतः सत्वम्। जब हमने राम जी के मूर्ति को गला दिया और एक एक्ट्रेस की मूर्ति बनाई, तो क्या हमने राम जी का नाश किया है? क्योंकि राम क्या थे? सुवर्ण पर केवल नाम रूप और रूप का अध्यारोपण मात्र था। तो जब उनको गलाया, तो जब केवल नाम रूप अध्यारोपित था, तो कौन नष्ट हुआ? कोई भी नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से ये जो देह है, यह देह की स्थिति वैसी ही है। देखो, एक बार हमने एक किसी के घर गए थे, तो वहां गए, उनका एक लड़का बड़ा स्मार्ट, तो वो मुझे ले गया अपने कमरे में। स्वामी जी, मैंने ये सब बनाया है, ऐसे जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं, उससे क्या क्या बना के रखा, बहुत सुंदर। कैसे लगा? हमने कहा ऐसा लगने से क्या है, क्यों मुझे कोई दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बोले बताओ क्या चाहिए आपको। सोचा यार ये एकदम डायरेक्टली देने को तैयार हो गया, आश्चर्य है। मैंने कहा मुझे वो मकान चाहिए, मेरे पास मकान नहीं है। बोले ले जाओ, एक शर्त। क्या शर्त? वो ब्लॉक्स मैं निकाल लूंगा, मकान ले जाओ। देखो कितनी बड़ी बात कही उसने। मकान केवल नाम रूप था, और ये नाम रूप उन ब्लॉक्स पर अध्यारोपित किया गया था। इसी प्रकार से पंच महाभूतों की खिचड़ी को देह कहते हैं। जब देह नष्ट हो जाता है, तो क्या नष्ट होता है? देखो, हवा हवा में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गया, पानी पानी में मिल गई, उसके बाद जो पृथ्वी तत्व है पृथ्वी में मिल गया, और ये देह ने जो आकार आकाश के कारण लिया था, वो आकाश अकुपाय था, वो फ्री हो गया, तो कौन मरा? जैसे उस मकान में से सभी ब्लॉक निकाल दिए, तो कौन मरा? तो यह जो देह है, ये वास्तविक नहीं है, ये अध्यारोपित है। देखो, इसीलिए अध्यस्तस्य कुतः सत्वम्। यदि ये देह सत्य होता, तो हमेशा वैसा का वैसा बना रहता है, लेकिन वैसे नहीं होता, नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए ये जो देह अध्यस्त है परमात्मा पर, जैसे सुवर्ण पर आभूषण अध्यारोपित है, इसी प्रकार से सत्ता पर ये माया तीन गुण और उनकी ये जो प्रकृति है, ये अध्यारोपित है। तो अध्यस्तस्य कुतः सत्वम्, उसकी सत्ता हो ही नहीं सकती। असत्यस्य कुतो जनि, जो है ही नहीं उसका जन्म कैसे होगा? हम जो कहते हैं ना देह का जन्म हुआ, किसका क्या जन्म हुआ? देखो, माँ बाप ने खाना खा करके बर्बाद किया और बीज निर्माण किया, ये दोनों बीज इकट्ठे आ गए, वहां एक फल लग गया और फिर वही बढ़ने लग गया, इसमें निर्माण कौन हुआ? एक और पंच महाभूतों में ही सब चल रहा है। इसीलिए असत्यस्य कुतो जनि, ना तो कभी कुछ पैदा हुआ है, और अजातस्य कुतो नाशः, और यदि निर्माण ही नहीं हुआ तो उसका नाश कैसे होगा? देखो, रस्सी के ऊपर में दिखने वाला जो सांप है, जब हमने उस सांप को देखने के लिए बत्ती लेके गए और देखा कि वहां सांप नहीं है, रस्सी है, तो सवाल ये आता है वो सांप गया कहां? ये सिद्धांत बताने के लिए अवस्था त्रय विवेक की बात शास्त्रों में आती है। हमने आपको एक महात्मा की कहानी बताई थी, सुबह सुबह उठ करके महात्मा जी रोने लग गए, तो शिष्यों ने पूछा महाराज क्यों रो गए? मुझे बहुत भयानक सपना पड़ा, और फिर रोना शुरू। महाराज जी, आप तो हमारे गुरु हो, आपने उनको सिखाया कि सपना मिथ्या होता है, और आप रो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आपने नहीं रोना चाहिए, गुरु हो भूलना मत। फिर महात्मा जी रोना शुरू हो गए, आप मेरी बात सुनते नहीं पूरी,
सपना बहुत ही बुरा था, अंधकार बहुत ही था पुराना, सपना बहुत बुरा था। क्या सपना था? शिष्यों ने पूछा। मैंने सपना देखा, मैं तितली बन गया। और फिर रोने लगे। एनीवे वो सपना था महाराज, छूट दो, अभी चलो हम लोग सत्संग करते हैं। क्या सत्संग करते हैं? मैं यहां मर रहा हूं तितली बन करके, सत्संग करते हैं। फिर हमने आपको बताया है ना कि आपके कहने के अनुसार सपना भी क्या होता है। बोले नहीं, ये प्रश्न नहीं है मेरा, मेरा प्रश्न ये है, तुम्हारे गुरु ने सपना देखा कि वो तितली है, या तितली सपना देख रही है कि वो तुम्हारा गुरु है, ये मेरी समस्या है। देखो महाराज, कौन है? हमने कभी अपने सपने के व्यक्तित्व की जीवनी लिखी है क्या? हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष पैदा होता है। उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष पैदा होता है। कल का मैं कल खत्म हो गया, यानी कल का मैं वैसा ही रहता, हम कभी समझदार हो ही नहीं सकते, हमेशा बच्चे ही रहते। कल का मैं कल खत्म हो गया, आज का मैं जागृत पुरुष एकदम फ्रेश। और जितना आप इस वर्तमान में रहने लगोगे, उतना यह जो देहात्म भाव का बोझा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए अजातस्य कुतो नाशः, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका कैसे नाश होगा। और प्रारब्धम असतः कुतः, जो असत वस्तु है उसका प्रारब्ध कैसे होगा? माने देह का भी प्रारब्ध नहीं हो सकता, तो परमात्मा की प्रारब्ध नहीं है। उसके बाद यह जिसने अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार कर लिया है उसका भी प्रारब्ध नहीं है। उसके बाद देह को लेकर के लो तो देह का भी प्रारब्ध नहीं है। अरे राम, फिर अब क्या करें? फिर ये प्रारब्ध का विषय शास्त्रों में क्यों आया? नहीं है तो क्यों आया? ज्ञानेना ज्ञान कार्यस्य समूलस्य यत् लयो यदि तिष्ठत्यत तिष्ठत्यय कथम देह इति शंकावतो जडान। जडान माने बेवकूफ। यदि ज्ञान से अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाता है, माने जिसने अपने आप को सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रूप से पहचान लिया है, फिर सवाल ये है कि उसका देह कैसे बना रहा? क्योंकि ज्ञान के द्वारा यह अज्ञान की मैं देह हूं ये नष्ट हो गया, इसीलिए देह भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक के देह के साथ तादात्म्य नहीं होगा तब तक के देह जिंदा नहीं रहता। तो सवाल ये आता है, ये जो जीवन मुक्त पुरुष है उनका यदि अज्ञान कि मैं देह हूं और देह के विकार मेरे है, ये अज्ञान यदि उनका नष्ट हो गया है, तो सवाल ये है कथम देहा तिष्ठति, देह कैसे बना रहा? देह तो नष्ट होना चाहिए। माने क्या? महात्मा जी बैठे, रियलाइज हो गए, भट से क्या हो गए रियलाइज? रियलाइज होना माने मरना नहीं। देखो ऐसा प्रश्न बेवकूफ लोग पूछते हैं, उनके प्रश्न के उत्तर के लिए शास्त्रों ने प्रारब्ध की कल्पना करी। देखो महाराज, समाधातुं बाह्य दृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुति न तु देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिता। समाधातुं बाह्य दृष्ट्या, क्योंकि जो हम साधु संतों के तरफ जीवन मुक्त पुरुष की तरफ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो हमने अपने आप को समझ के रखा है वही हम अन्य को देखते हैं। हमने अपने आप को देह मान के रखा है तो अन्य को भी देह के रूप में ही स्वीकार करेंगे।
हमने अपने आप को अमीर मान के रखा है तो अन्य को भी अमीर और गरीब इसी रूप से स्वीकार करेंगे। हमने अपने आप को इंटेलिजेंट मान के रखा है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होंगे, इंटेलिजेंट मेरे जैसे बेवकूफ बाकी। इसी प्रकार से दुनिया निर्माण होती है। इसीलिए यह जो अज्ञानी पुरुष है वे तो देहात्म भाव से बैठे हैं, और ये अज्ञानी पुरुष जब इस ज्ञानी पुरुष की तरफ देखते हैं उनको यही लगता है कि यह भी हमारे ही जैसा देहवान है। देखो ये मूल भेद है। एक बार हमने आपको कहानी बताई थी, भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। हम शिमला में किसी सिंधी के यहां गए थे, वो अम्मा आती थी और वहां सत्संग होने के बाद गए खाने के लिए, तो उनके घर में शांति था, बड़ी विचित्र शांति। हमने सोचा क्या गड़बड़ी है तुम्हें इस घर में, और फिर वहां जाकर हमने टीवी शुरू कर दिया। उन दिनों में एक आध दो चैनल आते थे, बहुत पुरानी बात है, नया नया टीवी आया और वो सिनेमा के गाने शुरू हो गए थे, हमने शुरू कर दिए और देख रहे थे। तो जैसे छेदों में से चूहे बाहर आते हैं वैसे 5-6-7 बच्चे बाहर आ गए, देख रहे थे सामने पिक्चर देख रहे। हमने कहा यार ये कौन गा रही है, शुरू कर दिए। हमने लगता है ये ऐसे लगता है टुनटुन गा रही है, तो वो बहुत हंसले, ये टुनटुन क्या होती है, ये तो माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित क्या होती है? आप जो अंतर था थम्मे और उनमें धीरे धीरे मिटने लग गया। बैठ करके खूब पाती हुई ये आहा हो गया, खाना तैयार, तो खाने के लिए बैठे तो हर एक को हमने अपने थाली में से खिलाया, फिर हमने खाया। और फिर जब बैठ गए तो लड़के ने पूछा, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। दादी माँ कहती है कि आपको सब कुछ आता है, पूछो क्या। आपने इसी थाली में खाया, हमने इसी थाली में खाया, आप भी टीवी देखते हो, हम भी टीवी देखते हैं, आपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाया, हमने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाया, तो आप में हमें क्या फर्क है। तो दादी माँ आपको नमस्कार करती, मुझे क्यों नहीं करती। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि देखो तुम दादी माँ से पूछो ना, मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी नमस्कार करती। नहीं नहीं दादी माँ को पूछो तो उनको एक ही उत्तर है, डांट देती है, चुप, ऐसा नहीं कहते। अब मैं किसको पूछू। हमने कहा देखो तुम जब खाना खाते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, टीवी पर। जब तुम टीवी देखते हो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई। जब पढ़ाई के लिए बैठते हो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, क्रिकेट की मैच में। जब क्रिकेट की मैच चलती रहती है तब तुम्हारा ध्यान होता है असाइनमेंट पूरी नहीं करे। माने तुम जो करते हो उस समय उसके साथ नहीं रहते, इज इट नॉट। तो स्वामी जी आपको ये कैसे पता चला। मैंने वो बात छोड़ो, होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने कहा यही फर्क होता है, देखो साधु संत और हम में यही फर्क है। साधु संत खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं, सुनते हैं तो सुनते हैं, बैठते हैं तो बैठते हैं, चलते हैं तो चलते हैं, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। जीवन सहज हो जाता है, यही है 100% उपलब्धि। देखो और जब 100% उपलब्धि हो जाती है, 100% उपलब्धि को परमात्मा कहते हैं। हमारी उपलब्धि कितनी है, फ्रैक्शन, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, यहां बैठे हैं और दिमाग में है, रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, गाड़ी में बैठे वहां गाड़ी पहुंचेगी कि नहीं, गाड़ी पहुंच गई, अरे मैं तो सुटके वही छोड़ के आया। देखो संतो, इसीलिए समाधातुम बाह्य दृष्टया, बाहर के दृष्टि से ये मूर्ख लोगों के इंक्वायरी को शांत करने के लिए कहते हैं कि देखो महात्माओं के भी प्रारब्ध होते हैं। मुझे एक अम्मा ने पूछा था, हमेशा सर खाने वाली थी, आपको लगता है कि हम बड़े खुश रहते हैं, हमको कोई कष्ट नहीं है,
हमारे कड़ा पहन के देखो, पता चलेगा कहाँ कीले छूटते हैं। तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आप लोगों के भी प्रारब्ध तो होते हैं क्या? ना जरूर होते हैं। नहीं नहीं, हम तो संभव ही नहीं सब सकते इसका। क्यों नहीं सकते? आपका क्या प्रारब्ध हो सकता है? तुम हो ना, दिन भर सर खाते रहते, कितने बार का ये मत करो वही करेंगे, यहां मत आओ वही आएंगे, यही तो प्रारब्ध है। इसीलिए समाधातुम प्राई बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदति श्रुति, न तो देह आदि सत्यत्व बोधनाय। देह सत्य है और ये देह में रहने वाला देही जीव है, ये बताने के लिए प्रारब्ध का प्रसंग शास्त्रों में नहीं है। देखो वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार जिनकी साधना चल रही है ना, वो लोग पिछला जन्म अगला जन्म इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और जो अन्य मार्ग से चलते हैं उनका हमेशा यही रहता है, पिछले जन्म में उन्होंने ये किया था, अगले जन्म इनका हो गया, उन्होंने पिछले जन्म में यहां बैठ करके माला घुमाई थी, अब यहां बैठ करके ये गाड़ी घुमा रहे। पिछला जन्म अगला जन्म इसका तात्पर्य समझ लो बाबा। जब जन्म ही नहीं हुआ तो अगले पिछले का सवाल कहां आया? जब हमको कहते पिछले जन्म में हम थे, इस जन्म में हम है, अगले जन्म में रहेंगे, माने हम तो एक अखंड सत्ता है, तो जो अखंड सत्ता है उसका जन्म कहां हुआ? देखो जन्म संभव ही नहीं। तो समाधातु बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदति श्रुति, न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम। तो यह जो जीवन मुक्त पुरुष है उनके देह को सत्य बताने के लिए प्रारब्ध का विषय शास्त्रों में नहीं आता। इस प्रकार से प्रारब्ध के प्रसंग को समाप्त करने के पश्चात अब यहां से अगले जो दो चार मंत्र है उसमें पूरा का पूरा तत्व चिंतन वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार है। कहते हैं परिपूर्ण अनाद्यम अप्रमेयम अविक्रियम सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंदम घनम अव्ययम प्रत्येक रसम पूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम निर्गुणम निष्क्रियम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम अनिरूप्यम अस्वरूपम यन मनोवाचाम गोचरम सत्समृद्धम सतसिद्धम शुद्धम बुद्धम अनिदृशम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म देह नानास्ति किंचन स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखंडितम् सः सिद्धः सुसुखम् तिष्ठम् निर्विकल्पात्मनात्मनि। तो यह जो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध का तात्पर्य रामकृष्ण परमहंस इस शब्द का प्रयोग करते हैं। बंगाली भाषा में चावल जब पक जाता है ना तो उसको सिद्धौ कहते हैं। बंगाली भाषा बड़ी मजेदार है। पहले पहले जब हम बंगाल में गए थे हमको पता तो था नहीं उस भाषा का, तो हमको कहा कि महाराज शाम को भोजन के लिए आ जाना। अब पहुंच गए, तैयारी की, दिन भर कुछ खाया नहीं, भोजन करना है। वहां गए, तबला पीढ़ी हो रही, खाने का नाम ही नहीं। फिर पता चला भोजन नहीं था, भजन था। भजन का भोजन बन गया और हम अपने भूखे रह गए, भूखे भी नहीं भूखे रह गए नारायण। तो यह जो तत्व है इस तत्व को आत्म रूप से हमको पहचानना मात्र है। तो जो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध माने चावल सिद्ध हो गया, माने चावल पक गया। पकना माने क्या? उस चावल का ध्यान से सुनना, ये शब्द दिखने के लिए सिंपल है लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जब इसका प्रयोग किया है उसमें सूक्ष्मता है। पकने के बाद चावल का आकार बना रहता है, आकार खत्म नहीं होता, लेकिन उसमें जो कठिनाई होती है वो कठिनाई खत्म हो जाती है। देखो
तो जब चावल अच्छी तरह से पक जाता है तो भालो से दो, अच्छी तरह से पक गया है, और अच्छी तरह से पका नहीं होगा और उसको दबाओ तो बीच में जो कच्चापन है वो हाथ को लगता है। इसी प्रकार से जो सिद्ध हो चुका है, माने बाहर का आकार ज्यों का त्यों है, ऐसे नहीं कि रियलाइज होने के बाद चल पड़े सर्वम ब्रह्मेति विजानात, सब ब्रह्म है, और महात्मा जी बाहर जा रहे थे, जाते समय दीवार से टकराए, महात्मा जी क्या हो गया, देखो जब से मैंने सब ब्रह्म देखा खिड़की और दीवार कोई फर्क ही नहीं आता। ये इसका अर्थ नहीं है, इसीलिए सिद्धा जो इस ज्ञान में निष्ठावान हो गया है उससे होगा क्या, पहले हम देहात्म भाव से जीते थे, अब यह जीवन मुक्त पुरुष देहात्म भाव का त्याग करके देह के माध्यम से देह से अन्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, पहले हम जीवात्म भाव से प्रकट होते थे, जीवात्म भाव माने मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं अच्छे कर्म करता हूं, मैं बुरे कर्म करता हूं, ये जीवात्म भाव। अभी जीवात्म भाव का भी तिरस्कार हो गया, क्योंकि जीव कौन है इसका जब अनुसंधान किया तो पता चला परमात्मा ही जब प्रकृति के माध्यम से प्रकट होकर के मानो प्रकृति के द्वारा प्रभावित हो गया है तो ये माना हुआ जीव है, असल में नहीं है। जब जीवात्म भाव का त्याग हो गया तब यह सच्चिदानंद परमात्मा देह और सूक्ष्म देह इन दोनों के माध्यम से जब प्रकट होता है तब उसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं, उसको कहते हैं सिद्ध। तो ऐसा जो सिद्ध पुरुष है अब उसकी कहानी बताते हैं 61वें श्लोक से लेकर के आखिरी तक। एक एक शब्द जो है वो ध्यान की प्रक्रिया है, परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंदघनम अव्ययम प्रत्येक एकरसम पूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम निर्गुणम निष्किलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम अनिरूप्य स्वरूपम यन्मनोवाचानगोचरम सत्समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम अनिदृशम एकम एव अद्वयम ब्रह्मा। ये सब के सब जो शब्द है एक एक शब्द ध्यान की प्रक्रिया है, एक एक शब्द को लेकर के। जैसे देखो वेदांत के पर्व में क्या है, दो प्रकार की दवाई, एक प्रकार की दवाई होती है आयुर्वेद की और दूसरी होती है होम्योपैथी। आयुर्वेद की दवाई आदमी कैसे खाता है, उसके तरफ देखकर ये आंखें बंद हो जाती है और आंखें बंद करके एक तंबू में डाल दिया एक गिलास क्या एक लोटा गरम गरम ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पी लिया, बहुत कड़वा होता है। और होम्योपैथी की दवाई मुंह में रखो पता ही नहीं चलता कहां गई, साबुदाने की गोलियां छोटी छोटी मिठाई होती है। इसी प्रकार से हम ये जो चिंतन करते हैं वेदांत का, हमारा चिंतन होता है आयुर्वेदिक दवाई के जैसा निकल गए, हाँ उसको चॉकलेट के जैसा खाओ। कोई व्यक्ति चॉकलेट डिगर जाता है कि मुंह में डाला हूं, नहीं घंटे भर मुंह में रखेगा, साइड में पार्किंग लॉट में रख दिया। उसी प्रकार से एक एक शब्द परिपूर्णम, परिपूर्ण का क्या तात्पर्य है, परितः सभी प्रकार से पूर्ण, इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब ढूंढना शुरू करो,
हम यदि अपने को देह मानते हैं तो कमियां ही कमियां हैं, हम अपने को यदि जीव मानते हैं तो कमियां ही कमियां हैं, हम अपने आप को यदि इंद्रिय या मन बुद्धि चित्त अहंकार मानते हैं तो कमियां ही कमियां हैं, परिपूर्ण इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप ऐसे अनुभूति में पहुंच जाओगे कि आपके अंतकरण में एक भी वृत्ति का जन्म नहीं होगा। वृत्ति का जन्म होता है अपूर्णता के भ्रांति से, अपूर्णता की भ्रांति समाप्त हो गई तो अपने आप विचार उठना बंद हो जाते हैं। आप उदाहरण ले लो, समझो आपको पहुंचना है केदारनाथ, तो जब तक कि आप पहुंचोगे नहीं तब तक कि आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, रिजर्वेशन हो गया है, आई होप द ट्रेन डजंट गेट कैंसल, अच्छा क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए और एक्सीडेंट में मेरा वो कंपार्टमेंट डिले हो जाए और उस कंपार्टमेंट में मैं ना मर जाऊं, दुनिया भर के विचार, और वहां जाएंगे फिर वहां जाने के बाद अटैच बाथरूम है कि नहीं बता रही, नहीं तो फिर कुल्लम कुल्ला प्यार करेंगे तो विचार के बाहर विचार आ रहे। एक बार आप पहुंच गए केदारनाथ, तो केदारनाथ पहुंचने के बाद केदारनाथ के बारे में विचार आना बंद हो जाएंगे, फिर होगा घर में बहु काम कर रही है। देखो जहां हम पहुंचते हैं उसके बारे में विचार नहीं होते। यदि हम अपने स्वरूप पे पहुंच गए हैं अपने आप विचार आना बंद हो जाए। परिपूर्णम, अब देखो आपने ना तो दान धर्म किया, ना पाप पुण्य किया, ना योग किया, ना भगवान का नाम लिया, ये जो सहज अपने होने का भान है इसमें मैं प्रकट नहीं होता, इस होने को पहचानना आत्म रूप से, तब हमने परिपूर्ण इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया है। इस अनुभूति में ना तो देहात्म भाव का बोझा है, ना तो जीवात्म भाव का पाप पुण्य है, ना तो अज्ञान का जन्म मृत्यु है। यह जो परिपूर्णता है
यही अपना स्वरूप है। अनंत अनेक नहीं होते, अनंत केवल एक होता है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा ओ